हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी फाइंडर्स। मैं हूं आराध्या साक्षी के साथ। तो दोस्तों, आज की जो जॉब वैकेंसी ना बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। एक ऐसी टॉप नॉच कंपनी में आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम है क्राफ्टशाला। तो जी हाँ दोस्तों, क्राफ्टशाला में बहुत जबरदस्त हायरिंग हो रही है, बल्क में रिक्रूटमेंट चल रहा है। एंड अगर आपको मैं सैलरी बताऊं तो यार 5 लाख पर एनम की आपको सैलरी मिल रही है आपको, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, जो भी यहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट है। तो बिल्कुल यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो गाइस, उसके पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एचआर, अकाउंटेंट, आपने कई बार ये सुना होगा, महसूस किया होगा कि जो कॉलेज लाइफ में आपने पढ़ा है और जो प्रैक्टिकली आपको करना होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट। कई बार ऐसा होता है जो हमें कॉम्प्लायंसेस करनी होती है या फिर प्रोसेसेस करनी होती है, इवन दो उसकी थ्योरी हमें पढ़ी होती है लेकिन वो करना हमको नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लॉयर को हम बोले राइट आउट ऑफ LLB लीगल ड्राफ्टिंग करने के लिए, या एक अकाउंटेंट को बोले इनकम टैक्स और GST की कंप्लायंसेस करने के लिए, या एक लेबर लॉ प्रैक्टिशनर को बोले पेरोल, PF, ESI एक्सेट्रा की कंप्लायंसेस करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेज जो प्रोफेशनल्स ने प्रोफेशनल्स के लिए बनाए होते हैं, जो सिर्फ ₹19, जी हाँ ₹19 से स्टार्ट होते हैं ये कोर्सेज। ना आपको सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाते हैं बल्कि आपको A to Z प्रैक्टिकल कंप्लायंसेस करके दिखाते हैं ऑन स्क्रीन। तो LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बेस्ट सेलर कोर्सेस है A to Z ऑफ पेरोल कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स एंड GST कंप्लायंसेस, एंड जागरूक लॉयर किट विद 6000 प्लस लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड मैनी मोर। दोस्तों तो जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो यूज माई कोड टू अवेल एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी चीजें अवेलेबल करने दी है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्राफ्टशाला की। तो यार क्राफ्टशाला के बारे में सभी को पता होगा, जिसको नहीं भी पता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द कंपनी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट डिटेल्स बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे करना क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो रोल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सेल्स एसोसिएट का, ठीक है। तो आपका एडमिशन टीम में ये रोल रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्स का मतलब ऐसा मत समझना कि आपको बस टारगेट्स ही रहेंगे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपका क्या पर्टिकुलर काम रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो अच्छी तरह से सुन लेना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको ऑब्वियसली आपको चाहिए, एक तो आप कॉन्सेंट्रिक माइंडसेट वाले रहने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास रहनी चाहिए, एम्बिशन करेज रहना चाहिए अबाउट द कंपनी एंड फॉर द कंपनी। तो आप एक बिल्कुल टीम प्लेयर रहने चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब आपको करना क्या है यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनके जो डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग देयर प्रोग्राम्स, मतलब कि जो क्राफ्टशाला प्रोग्राम चलाते हैं, एडमिशन प्रोसेस रहती है, इसके बारे में जो भी डाउट्स रहते हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे फ्रॉम कॉल्स, ईमेल्स, चैट बॉक्स, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद काउंसलिंग, इनबाउंड लीड्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, तो ऑब्वियसली आपको काउंसलिंग करना रहेगा। फिर उसके बाद आपको करना रहता है ये प्लानिंग, जो नई बैच आती है उनके लिए आपको प्लानिंग भी करना रहता है। आपको जो भी यहाँ पे एडमिशन्स रहते हैं उनके जो भी है वो संभालना रहता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रहेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग इन्फॉर्मेशन, अपडेटिंग देयर डॉक्यूमेंट्स, ये सारी भी चीजें आपके पास यहाँ पे रहेगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बस बता दूं यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे बेसिकली MS Word, MS Excel का थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद आपको, हाँ आपको यहाँ पे जो है काउंसलिंग वगैरह कैसे करते हैं वो पता रहना चाहिए। वैसे तो कंपनी आपको बताएंगी ही, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज रहता है तो वो एक अच्छी बात हो जाती है, एक चेरी ऑन केक आप बोल सकते हो, एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई करने की स्टेप बहुत सिंपल है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, नॉर्मल आपको यहाँ पे अपना डेटा डालना है, रिज्यूम सेंड करना है, वो सारी चीजें रहेगी। अब सैलरी की बात कर लेते हैं कि यार यहाँ पे जो है ना 5 लाख पर एनम की सैलरी रहेगी, 80% जो है फिक्स सैलरी रहती है, ठीक है, एंड 20% जो रहती है वेरिएबल सैलरी, मतलब 4 लाख तो आपकी फिक्स है, 20 लाख मतलब 20% जो है वो 1 लाख मतलब वो जो रहेगी वो आपकी वेरिएबल रहेगी। उसके बाद यू विल बी वर्क डायरेक्टली विद द सेल्स टीम लीडर्स ऑफ इंडिया प्रीमियर सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहती है वो कैसे रहती है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली कम्युनिकेशन इवैल्यूएशन होगा आपका, पहली स्टेप तो ये रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द शॉर्ट असेसमेंट टू मेक श्योर दैट यू मीट द कम्युनिकेशन रिटन स्टैंडर्ड्स, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो यहाँ पे देखी जाती है। तो ऑब्वियसली सेल्स की प्रोफाइल है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी एकदम शानदार रहनी चाहिए।
दूसरी रहती है स्किल्स असेसमेंट टास्क। तो यहाँ पे जो है दिस विल बी टास्क दैट असेसेस यू ऑन द कोर स्किल्स यू विल नीड टू सक्सेस इन दिस रोल। तो ऑब्वियसली ये रहेगा। फिर टेक्निकल कन्वर्सेशन रहेगा। तो टेक्निकल कन्वर्सेशन में ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए, ये सब चीजें रहेगी। कल्चर फिट कन्वर्सेशन रहेगा कि अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद आर फाउंडर्स रहेगा। तो जो भी इनके फाउंडर्स है उनके साथ आपको एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहेगा। फिर एक्सटेंडिंग एन ऑफर, तो ऑब्वियसली ये आपको ऑफर दे देंगे एंड आप हायर हो जाएंगे, ऑन बोर्ड हो जाएंगे। इतना सिंपल प्रोसेस रहेगा दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी यहाँ की भी और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दिया उसकी भी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, जिसको भी जॉब लगती है फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना।